नमस्कार दोस्तों कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बेस्ड फिफ्थ प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे और ये दोस्तों बाकी की गई सोल्व प्रॉब्लम से थोड़ी सी डिफरेंट है इसीलिए इस प्रॉब्लम्स को यहाँ रखा है दोस्तों ये आर ऑफ एस रेफरेंस इनपुट इन एस डोमेन है ये आपका समिंग पॉइंट है ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है जिसका ओवरऑल जो गेन है वो केवन है ये आपका सेकेंड ब्लॉक है इसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और दोस्तों यहाँ से हमने यूनिटी फीडबैक ली है नेगेटिव फीडबैक और ये आपका कंट्रोल आउटपुट है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में K1 और K2 फाइंड आउट करना है लेकिन आपको दिया गया है डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू पॉइंट सिक्स और जो आपकी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू टेन रेडियन पर सेकेंड तो दोस्तों इसमें आप सबसे पहले अगर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन दिया गया है तो ये जो दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं ये आपके कैस्केड में हैं राइट तो इन दोनों ब्लॉक्स को सिंपली आप मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल सकते हो मान लीजिए वो वैल्यू आपकी जी ऑफ एस है तो वो बन जाएगी आपकी के वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के टू इंटू एस इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए इन दोनों टर्म्स में आपका एस कॉमन है तो ये बन जाएगा दोस्तों के वन ओवरऑल डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस वन प्लस के टू मल्टीप्लाई विद एस राइट ये दोस्तों जी ऑफ़ एस है यूनिटी फीडबैक आपकी दी गई है तो ओवरऑल जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा प्रीवियस वीडियो में भी हमने फाइंड आउट किया है वो बन जाएगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी ओफ एस इस वैल्यू को जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो बनेगा दोस्तों हमारा K1 वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस वन प्लस के टू इंटू एस प्लस के वन तो दोस्तों ये आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है और किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हम इस इक्वेशंस की हेल्प से भी लिख सकते हैं ये आपका जर्नल इक्वेशन है एस स्क्वेयर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर दोस्तों जो गिवन आपका ट्रांसफर फंक्शन है और जो हमारा जर्नल ट्रांसफर फंक्शन है इन दोनों ट्रांसफर फंक्शंस के डिनोमिनेटर्स को हम कंपेयर करेंगे और हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो दोस्तों जो हमारी जर्नल इक्वेशंस है वो बनती है एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन इन टू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर दैट मस्ट बी इक्वल टू जो हम हमने यहाँ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस का डिनोमिनेटर है वो इसके बराबर पुट करेंगे तो ये होगा एस स्क्र प्लस वन प्लस के टू मल्टीप्लाई विद एस प्लस के वन राइट तो दोस्तों यहाँ से जो आपका जीटा है वो पॉइंट सिक्स आपको दिया गया है और जो ओमेगा डी है वो आपको टेन दी गई है तो दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहते हैं ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्र अंडर द रूट ओमेगा डी आपका टेन है ओमेगा एन आपको फाइंड आउट करना है और जीटा आपको गिवन है दैट इज पॉइंट सिक्स तो ये बन जाएगा दोस्तों पॉइंट थ्री सिक्स जब इसका स्क्यर करेंगे वन माइनस पॉइंट थ्री सिक्स आपका पॉइंट सिक्स फोर होगा और उसका रूट आपका पॉइंट एट होता है तो दोस्तों ओवरऑल इसकी वैल्यू बनेगी पॉइंट एट सो दिस मल्टीप्लाई विद पॉइंट एट ओमेगा एन होगा आपका टेन डिवाइडेड बाई पॉइंट एट तो जो आपका टेन डिवाइड बाई पॉइंट एट ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी दोस्तों आपकी ट्वेल्व पॉइंट फाइव रेडियन पर सेकेंड ये वैल्यू दोस्तों आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है तो यहाँ दोस्तों ओमेगा एन स्क्र इसको इस कॉन्स्टेंट्स के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा ओमेगा एन स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू के वन ओमेगा एन आपका ट्वेल्व पॉइंट फाइव है राइट तो अगर हम इसको स्क्यर करेंगे तो ये बन जाएगा वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव तो ये आ गया दोस्तों वन सॉरी वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव दैट इज इक्वल टू के वन तो के वन वैल्यू आपकी यहाँ पे आ चुकी है अब दोस्तों आप ये जो एस का कोफिशियंट है और यहाँ जो एस का कोफिशियंट है इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वल पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी टू इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू वन प्लस के टू जीटा गिवन है टू इंटू जीटा आपका पॉइंट सिक्स गिवन है ये पॉइंट सिक्स है ओमेगा एन वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो दैट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू वन प्लस के टू अब दोस्तों ओवरऑल इन सभी तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए ये बनेगा आपका टू मल्टीप्लाई विद पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई विद ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओवरऑल आपका फिफ्टीन होगा ये फिफ्टीन है दोस्तों वन आपका लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये बच जाएगा आपका फिफ्टीन माइनस वन दैट इज इक्वल टू के टू तो यहाँ से आपका जो के टू है वो वैल्यू बनी आपकी फिफ्टीन माइनस वन दैट इज़ 14 तो ओवरऑल के वन आप निकाल चुके हो के टू भी आप निकाल चुके हो इसका मतलब ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन या जो सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम आपको गिवन है अगर इसमें K1 की वैल्यू को आप 156.25 रखें और K2 की वैल्यू को 14 रखें तो आपके कोरस्पोंडिंग जीटा वैल्यू डैम्पिंग रेशियो वैल्यू 0.6 मिलेगी और जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 10 रेडियन पर सेकेंड्स होगी एक चीज़ मैं यहाँ जरूर बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी आपकी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है दैट ऑलवेज भी लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसमें कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों क्योंकि दोस्तों जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो होती है जब आपका सिस्टम अनडेम्प्ड सिस्टम हो यानी जीटा आपका ज़ीरो हो और डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी तब निकालते हैं जब आपका जीटा नॉन ज़ीरो हो ठीक है अगर जीटा नॉन ज़ीरो होगा तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी हेल्प से आपकी ओसिलेशन रिड्यूस हो जाएंगी और ये जो रिड्यूस्ड ओसिलेशन है वो किस साइकिल से रिपीट होंगी वही आपकी डेम्प्ड फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी सस्टेंड ओसिलेशन हैं, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है सो प्लीज रिमेंबर दिस डेम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हमारी इंटेंशन ये होती है दोस्तों कि हमें ओसिलेशन आउटपुट पे ना मिले क्योंकि आउटपुट पे अगर ओसिलेशंस होंगी तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है या जो हाइयर ऑर्डर सिस्टम है वो हमारा स्टेबल नहीं होगा सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू लाइक दिस अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में आप इसको ज़रूर शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो